आज हमारे पास है गाड़ी रेनॉल्ट की क्विड RXT मॉडल। इस गाड़ी में कंप्लेंट है कस्टमर की कि गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, फिर चालू हो जाती है, बंद हो जाती है, चालू हो जाती है। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, इस गाड़ी की चेक लाइट नहीं आ रही है और इसका मीटर हमारा जीरो पे डला हुआ है, इसमें रीडिंग भी जीरो नहीं आ रही है और इसमें ये हीटर वाली लाइट ये इसकी बिलिंग नहीं कर रही है, स्टील है और इसमें ऑयल की लाइट भी आ रही है। ठीक है, अब इसको मारते हैं सेल्फ, देखते हैं क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। सेल्फ लगाने पे जीरो हो जाता है और वापस से उसकी चाबी ऑफ करके ऑन करते हैं तो फिर जैसे हो जाता है। अब चेक करते हैं इस गाड़ी में इसकी FI की रिले कि इसकी FI की रिले ऑन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये रही हमारी FI की रिले ECM। अब इस रिले में ये इसका नंबर इसमें दिया गया हुआ है 30 नंबर। अब इसमें देखते हैं इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। 30 नंबर, ये हमारा इसमें करंट आ रहा है, करंट इसमें आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अब इसका देखते हैं 85 नंबर पे, 85 इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है इग्निशन का, इसमें भी करंट हमारा आ रहा है। ठीक है, और 87 हमारा हो गया ECM का, 87 हमारा ECM का हो गया। अब 86 में ग्राउंड आता है या नहीं आता है, तो इस वाले वायर को लगाते हैं मैन में। मैन में लगाने के बाद में अब इसमें देखते हैं ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमारा ग्राउंड नहीं आ रहा है इसमें। अब इसको थोड़ा सा करते हैं बाईपास, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो बाईपास करने के लिए ये वायर इसमें लगाते हैं 86 वाले में जिसमें ग्राउंड इसका नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, अब इसमें करते हैं रिले इंस्टॉल। ये हमारी रिले लग चुकी है। ठीक है, अब ये वाले टेस्टर को लगाते हैं ग्राउंड पे। ग्राउंड पे लगाया, ग्राउंड पे लगाने के बाद में अब इसको करते हैं इस वायर में जॉइंट। हमारी रिले जो वर्किंग नहीं कर रही थी, ये तार मैंने इसमें लगा दिया है। ये तार लगाने के बाद में अब इसको इससे देते हैं ग्राउंड। ये हमारा बल्ब ऑन हो चुका है और ये हमारी रिले वर्क करने लगी। रिले हमारी वर्क करने लगी, आप आवाज़ भी आ रही होगी इसमें कुटकुट की। सेल मारो, ये हमारा बल्ब इसका ऑन है और ये मैं रिले हमारी ऑन है, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट, ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ये तार इसमें हटाया और ये गाड़ी बंद। आप सेल मारो, ये तार हटा के देखो, इसको स्टार्ट करते गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब इसको लगाते हैं इस वायर में, ये हमारा बल्ब जल गया, रिले एक्टिवेट होगी। अब मारो सेल्फ, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें बंद करो गाड़ी। अब इसमें क्या समस्या है, इसमें ये जो रिले है चाबी ऑन करने पे इसको वर्क करने चाहिए रिले को, ये हमारी रिले नहीं बोल रही है, इसमें ग्राउंड नहीं आ रहा है। अब देखते हैं इस गाड़ी की वायरिंग, इस गाड़ी की वायरिंग में प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसका वायर ये ऑरेंज में वायर धारी, ये तार यहाँ से ब्रेक हो चुका था, ये तार बॉडी से, यहाँ इसकी बॉडी होती है, इस बॉडी से कट गया था, वायरिंग घिस घिस के कट गई थी, तो यहाँ से ये तार ब्रेक हो चुका था। अब इस तार को जोड़ के देखते हैं कि समस्या हमारी सॉल्व हुई या नहीं हुई।
ये मैंने तार को जोड़ दिया है। अब चलते हैं गाड़ी के मीटर पे। ये इसका रिले यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। अब देखते हैं इसमें चेक लाइट आई या नहीं आई। ये हमारी चेक लाइट आ चुकी है। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है।